हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लोटस आयुर्वेद इंडिया। फ्रेंड्स, आपको मैं बताने जा रहा हूं योनि में खुजली और संक्रमण का घरेलू उपचार। फ्रेंड्स, इस जानकारी को बताने से पहले ये मैं आपको बता दूं कि अगर हमारे YouTube चैनल लोटस आयुर्वेद इंडिया को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो फ्रेंड्स, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इसी चैनल के माध्यम से औषधियों की वो सारी जानकारियां लेकर आते हैं जिन्हें आप इस्तेमाल कर अपने जीवन में स्वस्थ रह सकते हैं। जी हाँ, महिलाओं या लड़कियों की योनि में खुजली होने के कई कारण हो सकते हैं। इन कारणों में खमीर संक्रमण होना, रोजाना सफाई धुलाई न करने से अस्वच्छता का होना, या फिर किसी एलर्जी के कारण हो सकता है। सेक्स, ज़्यादा चीनी के सेवन, एंटीबायोटिक्स या फिर कमज़ोर इम्यून सिस्टम की वजह से योनि में खमीर की संख्या बढ़ जाती है। योनि में खुजली का घरेलू उपचार इस प्रकार है। तुलसी। योनि में खुजली होने पर तुलसी के पत्तों का लेप लगाएं, खुजली ठीक हो जाएगी। गेहूं का हलवा। 200 ग्राम गेहूं को रात में पानी में भिगो दें, सुबह इसे पीसकर शुद्ध घी में इसका हलवा बनाकर दिन में 2 से 3 बार खाएं, खुजली में आराम मिलेगा। आंवले का रस। केले के गुदे में आंवले का रस और मिश्री मिलाकर खाने से खुजली ठीक हो जाती है। योनि में दर्द हो और सूजन आ गई हो या घाव हो गया हो तो अरंड के तेल को रुई के फोहे में भिगोकर योनि के अंदर रखें, 1 सप्ताह में संतोषजनक आराम मिलेगा। अगर श्वेत प्रदर के कारण खुजली हो रही है तो सुबह शाम 5-5 ग्राम आंवले का चूर्ण चीनी के साथ लेने से आराम मिलता है। नारियल के तेल में भीमसेनी कपूर मिलाकर योनि मार्ग में लगाने से भी खुजली ठीक हो जाती है। गूलर के सत्तों को गर्म पानी में घोलकर डूस करने से गर्भाशय की खुजली में भी आराम मिलता है। तो ये थे फ्रेंड्स योनि में खुजली और संक्रमण का घरेलू उपचार। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि फ्रेंड्स मैं आपको इसी चैनल के माध्यम से आपके हेल्थ से संबंधित वो सारी जानकारियां लेकर आता हूं जिसे आप यूज कर अपना इलाज खुद कर सकते हैं और इसका भरपूर लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, फ्रेंड्स, आप अपना बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं दोस्तों, और साथ साथ बीमारियों से संबंधित सवाल भी हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब जरूर देंगे। तो स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।